पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ। फाइव रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ आर कनेक्टेड इन सोनी फिगर ए, बैटरी वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, बैटरी वी कनेक्टेड बिटवीन द ए एंड बी, यहाँ पर ए एंड बी के बीच एक बैटरी कनेक्ट हो रहा है। द करेंट फ्लोइंग इन ए एफ ए, ये देखो ए एफ सी ई बी, इस वाले में कितनी करेंट फ्लो हो रही है वो हमें कैलकुलेट करना है। इस वाले ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो इस सर्किट को अगर अच्छे से देखोगे तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ये जो ए पॉइंट है इसको उठा के यहाँ रख दो, ये पॉइंट इसको ये बी और ए को पकड़ो, तो ए और बी को पकड़ो और सर्किट को खोल दो। तो अगर सर्किट को खोल दोगे तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा और बी पॉइंट इधर आ जाएगा। तो इसको मैं रीड्रा कर देता हूँ यहाँ, अगर रीड्रा करूँ मैं तो ये अपना वहीं पर था और इसको मैं उठा के इधर रखा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा और ये कुछ ऐसा आ जाएगा और ये पॉइंट ए इधर आ जाएगा, क्योंकि ए को उठा के मैंने इधर रख दिया तो ये आर वहीं रह जाएगा और ये सी है और ए भी आर है और ए भी आर है और ये पॉइंट डी है, ठीक है। और अगर मैं बी को उठा के इधर रखता हूँ, बी को उठा के इधर रखता हूँ तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर यहाँ मिलेगा और एक रेजिस्टेंस आर यहाँ मिलेगा और बी पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आर है, ए भी आर है और ए भी आर है। तो ये पूछ रहा है कि अगर ए और बी के अक्रॉस में वी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दूं, ये प्लस माइनस वी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दिया ए और बी के बीच, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है सी और ई, सी ये पॉइंट ई है, ये सी और ई है और डी, ए से एफ ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये पॉइंट एफ है। तो ए एफ सी और ये जो इस वाले ब्रांच में करंट की कैलकुलेशन करनी है। अब सबको पता है कि इस रेजिस्टेंस का रेशियो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अगर ये ब्रिज है प्यारे बच्चों, तो इस ब्रिज में सबसे पहले चेक करते हैं क्या बैलेंस है, तो बैलेंस है तो मजे ही मजे हैं। तो यहाँ से जो करंट आई वो यहाँ से आई वन पार्ट में डिवाइड हो गई होगी और यहाँ आई टू पार्ट में डिवाइड हो गई होगी। इस वाले में कोई भी करंट नहीं जा रही है, बिकॉज पी अपॉन क्यू पढ़े होंगे, आर अपॉन एस दैट इज आर बाई आर, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, आर अपॉन आर इज इक्वल टू आर अपॉन आर दैट इज वन इज इक्वल टू वन, बैलेंस ब्रिज है। तो अगर ये ब्रिज बैलेंस है दैट्स वाई इट करेंट इन इट इज यूजलेस, दिस इज यूजलेस, सी डी ब्रांच इज यूजलेस। तो अगर सी डी यूजलेस है तो सी डी को अगर मैं नहीं भी बनाऊंगा तभी भी ये काम चल जाएगा। तो ये सी डी इज यूजलेस, रिमूव इट, उसका रहना और नहीं रहना बात बराबर है। तो ये जो सर्किट है वो कुछ ऐसी दिखेगी। तो चलो इस वाले में करंट हम निकाल लेते हैं, आई वन की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो तो नेट रेजिस्टेंस करंट आई इज इक्वल टू नेट करंट इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। तो नेट ईएमएफ वी है और नेट रेजिस्टेंस आर है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर पूरे ब्रिज के लिए, अप्लाई फॉर टोटल ब्रिज, भाई ये आर और आर दोनों सीरीज में दैट इज टू आर एंड आर और आर सीरीज में दैट इज टू आर, तो 2R, तो नेट रेजिस्टेंस R की वैल्यू 2R और 2R और ये, तो ये 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया और ये 2R R मल्टीप्लाइड बाई R, यहाँ से अगर देखोगे तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ से आप निकाल सकते हो इस सर्किट का। वैसे भी यार इसको याद कर लो ना, नेट रेजिस्टेंस ऊपर वाले दोनों सीरीज में R 2R, तो R मल्टीप्लाइड बाई R, ठीक है, और नहीं 2R, हाँ यहाँ से 2R मल्टीप्लाइड बाई 2R और डिवाइडेड बाई 4R प्लस समेसर। तो 1R ने 1R को और 4 ने 4 को, तो नेट रेजिस्टेंस R आ गया।
तो इस पूरे सर्किट में जो करंट आई है वो इतनी फ्लो होगी, ये जो बैटरी करंट आई सेंड करेगी, दिस करंट इज आई दिस, ठीक है। अब यहां से करंट डिवाइडर रूल लगा दो, ठीक है, करंट डिवाइडर रूल या जैसे भी लगाना चाहते हो लगा दो। इस सर्किट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रीड्रॉ कर सकता हूँ आपके लिए यहाँ। तो ऊपर में ये जो रेजिस्टेंस आ जाएगा 2R, और यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा 2R, और यहाँ से जो करंट I आ रही है, ये वाली जो करंट आई है वो I1 और I2 में डिवाइड हो गई, और यहाँ से करंट I आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर करंट आया, अब हमें I1 चाहिए, तो I1 चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कर दो, तो I1 मल्टीप्लाइड बाई 2R इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाई 2R, ठीक है। तो यहाँ से अब दिक्कत क्या है कि ना तो हमें I1 पता ना I2 पता है, इसमें से कुछ भी नहीं पता। तो एक काम करते हैं, I1 पता कर लेते हैं, करेंट डिवाइडर रूल लगा देते हैं। तो I1 की वैल्यू डायरेक्ट निकालो, करंट डिवाइडर रूल सबको पता है, ये 2 वाला रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस 2R, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस 2+2R, और मल्टीप्लाइड बाय मेन करंट I। तो ये आ जाएगा 2R, दैट इज 4R, और दैट इज I, तो R में R को, दैट इज I बाय 2। और वैसे भी यार I1 I2 आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है, I1 I2 आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मुझे, हाँ अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे जो I1 की वैल्यू आ जाएगी वो मुझे क्या इसमें I1 की वैल्यू निकालना था, तो I1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो I by 2 आ जाएगी, और I की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज़ V/2R। तो ये फाइनल सोल्यूशन है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन के लिए नीड कर सकते हो, ये इक्वेशन लिख सकते हो I1 प्लस I2, या डायरेक्ट करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये V/2R, तो